Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Mavis Sir. In this video, we will discuss anemia in pregnancy. Normal pregnancy में plasma volume increase करता है 50% and dead cell mass जो increase करता है 20% increase करता है, जिसकी वजह से hemoglobin concentration drop कर जाती है. ये physiological process है normal pregnancy का. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ एनीमिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, कॉजेज ऑफ एनीमिया, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड, दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Now, what is the definition of anemia? Anemia is a decrease in the red blood cell count, hemoglobin or hematocrit values, resulting in a lower ability of the blood to carry oxygen to body tissues. Decrease in the red blood cells, hemoglobin or hematocrit level result karta hai decrease oxygen supply, oxygen carrying capacity. और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है. हाइपोक्सिया टिश्यूज को अफेक्ट करता है और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया डेवलप हो जाते हैं. इन प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ लेस देन 11 ग्राम पर डेसिलीटर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लेस देन 10.5 ग्राम पर डेसिलीटर इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर अनिमिया की कैटेगरी में आता है. और ये अगर प्रेगनेंसी में एनीमिया है तो इसकी वजह से लो बर्थ वेट हो सकती है, प्रीटर्म लेबर में पेशेंट जा सकती है, पुअर फिजल आउटकम ऑब्जर्व हुआ है एनीमिया पेशेंट में, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड पेरी ऑपरेटिव मोबिलिटी मोबिडिटी मदर में देखी गई है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है एनीमिया की वजह से, अमाउंट ऑफ आयरन बेबी विल स्टोर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वो डिक्रीज हो जाता है अमाउंट ऑफ आयरन एनीमिया की वजह से, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ब्रेन फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं एनीमिया पेशेंट में, उनकी डेवलपमेंट या डिले होती है. आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज एनीमिक है इनको किसी टर्शियरी केयर सेटअप में किसी बड़े हॉस्पिटल में डिलीवर करवाया जाए और एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करनी है ताकि ब्लड लॉस को डिक्रीज किया जा सके, रिड्यूस ब्लड लॉस हो पेशेंट में एनीमिक पेशेंट में. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. ऑन द बेस ऑफ कॉज में ब्लड लॉस होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस एनीमिया कॉज करता है, इन एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स की वजह से एनीमिया हो सकता है और एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स की वजह से भी एनीमिया होता है. मॉर्फोलॉजी की मॉर्फोलॉजी बेस पे जो होता है वो नॉर्मोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है. माइल्ड एनीमिया प्रेगनेंसी में 10 से 10.9 ग्राम पर डेसिलीटर है, मॉडरेट एनीमिया 7 to 9.9 ग्राम पर डेसिलीटर है एंड स्वेर एनीमिया कोरिस्पॉन्ड करता है लेस देन 7 ग्राम पर डेसिलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल. टाइप्स ऑफ एनीमिया बेस्ड ऑन द क्लिनिकल पिक्चर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनिशियस एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया, उसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन की वजह से होता है. वुमेन जिनमें पॉलीमेनोरेजिया या पॉलीमेनोरिया होता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के रिस्क पे होती हैं और प्रेग्नेंट लेडीज ग्रोइंग फीटस की जो डिमांड है इंक्रीज हो जाती है वो रिस्क पे होती हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया लेस इनटेक ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से होता है. रेड बोन मैरो प्रोड्यूस एबनॉर्मल जब रेड ब्लड सेल्स करते हैं वो किस वजह से होते हैं, समटाइम आप कीमोथेरेपी ड्रग्स या कैंसर ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी रेड सेल बोन मैरो की डिप्रेशन हो जाती है और एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स आ रहे होते हैं. परनीशियस एनीमिया इनएबिलिटी टू ऑफ स्टमक टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन, विटामिन B12 स्टमक में अब्जॉर्ब नहीं होता फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है. हेमरेजिक एनीमिया एक्सेसिव लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स थ्रू ब्लीडिंग, स्टमक अल्सर, मेंस्ट्रुएशन, आपको स्टमक अल्सर्स है, मेंस्ट्रुएशन है, कोई भी डिजीज है जिसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है वो एनीमिया कॉज करता है. हिमोलिटिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, ये पैरासाइट्स की वजह से, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज की वजह से होता है. थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की लेस सेंसेस होती है, ये मेडिटेरियन पॉपुलेशन में ज्यादा होता है.
सिकल सेल एनीमिया में हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर है, ये कैरेक्टराइज बाय रेड ब्लड सेल दैट अज्यूम एन एबनॉर्मल रिजिड सिकल शेप के सेल हो जाते हैं सिकल सेल एनीमिया में, ये इसकी वजह से एनीमिया होता है। ए प्लास्टिक एनीमिया डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो है, ये टॉक्सिन्स पे गामा रेडिएशन की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से प्लास्टिक एनीमिया होता है। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, इसमें लो MCHC होता है और लो MCV होता है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया क्रोनिक डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक एनीमिया, इसमें नॉर्मल MCH होता है और हाई MCV होता है, ये वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। रिस्क फैक्टर्स क्या एनीमिया के? रिस्क फैक्टर्स मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, हीमोग्लोबिनोपैथी है, एपिलेप्टिक वुमेन जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग यूज कर रही है वो एनीमिक होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से भी एनीमिया हो जाता है, और अगर आपको कोई पेशेंट को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रही हैं, पॉलीमेनोरेजिया पॉलीमेनोरिया रहा है पहले, तो वो भी एनीमिया के रिस्क पे होती है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी? आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है प्रेगनेंसी में, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, HB वेरिएंट्स हो सकते हैं, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज हो सकती है। एक्सक्लूड क्रोनिक इलनेस, पेशेंट्स जिनमें रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रह सकती है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, वो भी एनीमिया के साथ प्रेजेंट करती है प्रेगनेंसी में। कंसीडर लेस कॉमन कॉज सच एज क्रोनिक इन्फेक्शंस एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस, ये वाली पेशेंट जिनमें इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा रहते हैं वो भी एनीमिया के साथ प्रेजेंट करती हैं। सिम्टम्स क्या एनीमिया के? इजी फैटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, यूली रैपिड हार्ट बीट पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज, टैकीकार्डिया भी कहते हैं, पेल्पिटेशंस होती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, डिजीनेस है, पेल स्किन होती है, लेग क्रैम्प्स है, इंसोम्निया, ये सब सिम्टम्स एनीमिया को जाहिर करते हैं। नाउ व्हाट आर द साइंस ऑफ एनीमिया? क्या साइंस है? ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, पाइलोनेकिया नेल्स स्पून शेप हो जाते हैं, एट्रोफी ऑफ द पैपिला ऑफ द टंग हो जाता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है, पिटल हेयर एंड डिस्फेजिया क्लोसाइटिस हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस फॉर डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? स्क्रीन फॉर एनीमिया एट बुकिंग एंड एट 28 वीक ऑफ गेस्टेशन अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड। जो पेशेंट हैं आपने बुकिंग पे करना है CBC का टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट, तो 28 वीक पे करना है, और जो पेशेंट हीमोग्लोबिनोपैथी सच एज थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज के साथ हैं, आप उनमें फ्रीक्वेंट भी करवा सकते हैं, उनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने बुकिंग 28 वीक्स पे करना है, आप उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसकी कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं। डायग्नोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इफ मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज लेस देन 80, आपने सीरम फेरेटिन लेवल देखना है, सीरम फेरेटिन लेवल ऑफ लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर लीटर और सीरम आयरन लेवल ऑफ लेस देन 12 माइक्रोमोल्स पर लीटर एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी सैचुरेशन ऑफ लेस देन 15% जाहिर करती है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। नाउ हाउ टू ट्रीट एनीमिया? आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, अवॉइड अल्कोहल, स्टॉप स्मोकिंग, अगर वो अल्कोहल या स्मोकिंग यूज करते हैं तो आपने इसकी काउंसलिंग करनी है कि इसको अवॉइड करें। डायटी एडवाइस में आपने एनिमल प्रोटीन के लिए गाइड करना है, वेल कुक्ड रेड मीट कहना है आपने कि रेड मीट ज्यादा यूज करें, एग लें, मिल्क लें, इंक्रीज वाइटामिन सी टू एट आयरन एब्जॉर्प्शन, फ्रेश ऑरेंज जूस एंड सिट्रस फ्रूट्स, ये अगर आप यूज करेंगे तो आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, वाइटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें आयरन की क्वान्टिटी ज्यादा होती है। इफ कंसर्न रिगार्डिंग कंप्लायंस विद डायटी एडवाइस, Give vitamin C as ascorbic acid 50 milligram per day as vitamin C iron की absorption को increase करता है, तो आपने patient को advise करना है कि vitamin C जरूर लें। The expected improvement in hemoglobin level जो आप expect करते हैं 1 gram per deciliter per week है, आपने elemental iron देना है 100 to 200 milligram, either ferrous sulfate form की tablets आती हैं या ferrous fumarate tablet आती हैं, किसी भी फॉर्म में आप एलिमेंटल आयरन जो है 100 to 200 milligram आपने देना है। इफ दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट टॉलरेटेड पेरेंटल आयरन शुड बी कंसीडर्ड, अगर ओरल आयरन पेशेंट टॉलरेट नहीं कर रहा तो आप पेरेंटल आयरन की तरफ आप सोच सकते हैं कि आप उसको वो दे देंगे, उसकी कंप्लायंस नहीं है। काउंसिल वुमेन टू टेक ओरल आयरन सप्लीमेंट्स करेक्टली,
इसका भी एक मेथड है, उसने करेक्टली लेने से किस तरह लेना है, आपने उसे काउंसलिंग करनी है, उसे पेशेंट को गाइड करना है। आपने उसे बताना है कि एम्प्टी स्टमक ले, 1 आवर बिफोर मील ले, विद दिस सोर्स ऑफ वाइटामिन सी के साथ आयरन लें, सच एज ऑरेंज जूस, इससे भी आयरन की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज रहेगी। आपने उसको बताना है कि आपने टेबलेट्स, आयरन की टेबलेट्स मिल्क के साथ, कॉफी के साथ, टी के साथ नहीं लेनी, ये आयरन की अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं प्रोडक्ट्स। अदर मेडिकेशन सच एज एंटीसिड्स, एंटीसिड्स भी आयरन की अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। आपने पेशेंट को गाइड करना है कि अगर आप एंटीसिड्स ले रहे हैं तो उसके साथ आपने आयरन की टेबलेट नहीं लेनी। Now, what are the side effects of iron supplements? Gastrointestinal upset होता है, say nausea, vomiting, epigastric pain, या iron supplementation के side effect हैं। आपने patient को बताना है कि थोड़ा सा आपका gastrointestinal disturbance हो सकती है इसके साथ ना, vomiting, nausea, epigastric pain आपको थोड़ा सा face करना पड़ सकता है। रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट कैसे चेक करना है, चेक कंप्लायंस, आपने पेशेंट की कंप्लायंस चेक करनी है, पेशेंट रेगुलरली मेडिसिन ले रही है, वो विटामिन सी के सोर्स के साथ ले रही है, टी के साथ या कॉफी के साथ या मिल्क के साथ तो नहीं ले रही है। आपने ये नोट करना है कि पेशेंट आयरन की टेबलेट किस तरह ले रही है। पैरेंटल आयरन शुड बी कंसिडर्ड इन दोज हु डोंट टॉलरेट द ओरल प्रिपरेशन, इट करेक्ट्स एनीमिया मोर रैपिडली। पैरेंटल आयरन आयरन का सोर्स है जो एनीमिया को मोर करेक्टली इसको ना करेक्ट करता है, मोर रैपिडली इसको करेक्ट करता है। ये एक फार्मूला है आयरन डेफिसिट का, आपने कैसे कैलकुलेट करना है पेशेंट की आयरन रिक्वायरमेंट। बॉडी वेट है इसमें, टारगेट हीमोग्लोबिन जो है वो माइनस एक्चुअल हीमोग्लोबिन 2.4 प्लस 500, दैट इज डिपॉट आयरन। ये इस फार्मूला से आप पेशेंट की आयरन की रिक्वायरमेंट, आईवी आयरन की रिक्वायरमेंट, कितनी डोजेस को चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ स्वेयर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दैट इज हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 7 ग्राम पर डेसिलीटर इज डायग्नोज नियर टर्म, ब्लड ट्रांसफर में भी कंसिडर्ड। अगर पेशेंट टर्म के करीब है, उसकी डिलीवरी करीब है, तो आप उसकी एचपी लेवल लेस देन 7 ग्राम पर डेसिलीटर है तो आप उसको ब्लड ट्रांसफर का रिकमेंड करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट अनीमिया इन प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज।